अरे समीर बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो पहचान ही नहीं पाया तुम्हें, इतने बड़े हो गए तुम। जी अंकल, मैं घर में फारिग बैठा था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा बड़ा ही हो जाऊं। गुड गुड बेटा, अच्छी चपले मार लेते हो। यही मसला है आज के बच्चों का। तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर लिया था? जी अंकल, और आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था और आप अभी तक जिंदा हैं। जी तो हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम इस तरह की फनी वीडियोस कैसे अपने सिर्फ मोबाइल के ऊपर बनाएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर इस तरह का बहुत ज्यादा लोग कंटेंट अपलोड करते हैं और उनके ऊपर मिलियंस में व्यूज होते हैं और उनकी मिलियंस में अर्निंग होती है, और बिल्कुल ही सिंपल 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 सा काम है। तो सारा काम आप लोगों ने अपने मोबाइल पे करना है। एक वीडियो जो है आप लोगों का 10 से 15 मिनट के अंदर डायरेक्ट रेडी हो जाएगा। कोई आप लोगों ने करेक्टर्स नहीं बनाने, हर चीज आप लोगों को बनी बनाई मिलनी है। जस्ट आप लोगों ने वॉइस ओवर करना है और सारा काम करते जाना है। ये सारी चीजें आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर ही मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल और उसमें सीखते हैं कि हम ये सारी चीजें कैसे बनाएंगे। तो आपने ये सारा काम सिर्फ मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन के अंदर करना है। एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है और कौन सी डाउनलोड करनी है वो भी आप लोगों को बता देता हूं, काम भी आप लोगों को सिखाता हूं। तो जैसे आप लोग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहां पे ऊपर आ जाएगा क्रिएट वीडियो का ऑप्शन, ठीक है? इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। तो अब यहां पे आप लोगों के सामने एक एनवायरमेंट ओपन हो चुका है। यहां पे आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों का बैकग्राउंड है। ये सबसे पहले आप लोगों को कह रहा है कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है, फॉरेस्ट ग्लेज, ठीक है? ये आप लोगों का बैकग्राउंड है, ठीक है? इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे फॉरेस्ट ग्लेज के ऊपर यहां पे, तो यहां पे आप लोगों को ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स दिखाएगा, ठीक है? यहां पे फ्री भी बहुत सारे हैं, फ्री भी आप लोगों से खत्म नहीं होने वाले। उसके बाद अगर आप लोग पेड लेना चाहें तो इतने महंगे नहीं है, लेकिन आप लोग फ्री के ऊपर काम करें बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास, ये भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं फ्री वाले जो सबसे ऊपर है इनके अंदर से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूं, ये वाला एलिवेटर वाला। तो एलिवेटर को मैंने सेलेक्ट किया, तो इस वक्त देखें कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो एलिवेटर वाला आ चुका है। अब यहां पे आप लोगों ने दो करेक्टर उठा के लगाना है। यहां पे देखें नो एक्टर, ठीक है? यहां पे आप लोगों ने नो एक्टर पे क्लिक करना है, तो यहां पे आप लोगों को सारे एक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहां पे भी फ्री बहुत सारे हैं, लाजमी नहीं है कि आप कोई पेड लें, तो फ्री भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है वो बिल्कुल फ्री ही यूज कर रहा हूं, फ्री भी आप लोगों से काम खत्म नहीं होने के लिए जा रहा। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग खुद अपना करेक्टर बनाए, तो यहां पर आप लोग खुद भी करेक्टर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दो एक्टर्स ले लेता हूँ। तो पहला एक्टर मैंने ये ले लिया। इस एक्टर का नाम याद रखें, इस एक्टर का नाम है समीर, ओके? इसको हमने क्लिक कर दिया तो समीर आ गया यहाँ पे। अब इसकी आप लोग पोजीशनिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें समीर, इसके सामने लिखा हुआ है टू द लेफ्ट एट द डोर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को बता देगा कि भाई लेफ्ट साइड पर करना है, राइट साइड पर करना है या बटन्स पर करना है वगैरह वगैरह, ठीक है? तो आप लोग अगर इसको राइट पर करते हैं तो ये राइट साइड पर आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। तो हम वापस इसको लेफ्ट पर ही रखते हैं फिलहाल। यहाँ पर आते हैं और एक और एक्टर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आए, एक्टर सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप लोग कोई और एक्टर उठा के इसमें डालने जिसके साथ उसकी हमने गपशप करवानी है। मैंने दूसरा एक्टर ये चाचा जी को उठा के रख दिया और इसका नाम क्या है, मिस्टर हेरेंडास, पता नहीं क्या नाम है, जो भी है, ठीक है? इसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया तो ये दोनों आमने सामने आ गए इस तरीके से, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये देखें कि यहाँ पे आप लोगों ने नाम याद रखना कि ये समीर है और ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर चट्ठा साहब है और ये समीर है बच्चा, ठीक है? यहाँ पे अब आप लोगों ने आके इसके कमेंट्स ऐड करने हैं। कमेंट्स ऐड कैसे करने हैं, मतलब कि आप लोगों ने वॉइस ओवर करना है या लिख भी सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये कैमरे का सीन उधर ले जाएगा और उसका डायलॉग आप लोगों को दिखाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये कमेंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आप म्यूजिक भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम कमेंट की बात करते हैं, तो ये कमेंट है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि ये कमेंट कौन बोलेगा, मतलब कि ये पहले ही जो स्टेटमेंट है ये कौन बोलेगा, नो एक्टर, यहाँ पे हमने क्लिक किया और डॉक्टर के ऊपर हमने कर दिया, ठीक है? सॉरी, ये तो समीर पे हो गया, हम डॉक्टर पे कर, ये मिस्टर पे कर दिया, ठीक है? तो ये मिस्टर के ऊपर कैमरा आ गया। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को ये टेक्स्ट की ऑप्शन भी दे रहा है कि यहाँ पे आप लोग अपना डायलॉग लिख भी सकते हैं या ये देखें ये वॉइस की ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे मैं वॉइस रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ और चाचा जी का जो है वो मतलब कि जो डायलॉग है वो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ये करने के बाद आप लोगों ने टिक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? टिक पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग आए एलिवेटर पे क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें पहला कमेंट जो है वो मिस्टर का है, ठीक है? तो इसको हम जरा प्ले करके देखते हैं कि कैसे कैमरा लेके जाता है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हेलो समीर बेटा, कैसे हो तुम? तुम तो इतने बड़े हो गए हो। ठीक है, अब यहाँ पे समीर की बारी है, समीर ने बोलना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे हम, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे दोबारा यहाँ पे ये कमेंट की ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे एक्टर सेलेक्ट करेंगे समीर को, कैमरा आ गया समीर के ऊपर। अब यहाँ पे ये देखें इसका ये वॉइस का बटन है, वॉइस पे क्लिक करेंगे
तो इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसको हमने कर दिया टिक। अब हमने दोबारा आना है ऊपर, एलिवेटर पे क्लिक करना है, ये इस जगह पे सबसे ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम दोबारा प्ले करके देखते हैं कि ये देखें ये क्या करते, क्या मतलब कि कैमरा कैसे मूव होता है दोनों की तरफ जब डायलॉग्स चेंज होते हैं। हेलो समीर बेटा, कैसे हो तुम? तुम तो इतने बड़े हो गए हो। जी अंकल, घर में फारिग बैठा था, मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं तो चलो थोड़ा बड़े ही हो जाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों का कैमरा मूव हो गया। तो मैं यहाँ पे दो तीन और कमेंट्स ऐड करता हूँ। यहाँ पे आएंगे, सबसे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे वाले पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जो कमेंट्स की ऑप्शन आएगी, फिर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, कमेंट को ऐड करते हैं, एक्टर सेलेक्ट करते हैं, ये वाला चाचा जी, और चाचा जी को हम फिर रिकॉर्ड करते हैं। मैंने थोड़े से डायलॉग इसके अंदर रिकॉर्ड किए, दोबारा एलिवेटर पे क्लिक किया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी आप लोगों ने देखना ये फाइनल नहीं हुई, हमने इसके अंदर थोड़ी सी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, तो पहले इसको हम प्ले करके चेक करते हैं। हेलो समीर बेटा, कैसे हो तुम? तुम तो इतने बड़े हो गए हो। जी अंकल, घर में फारिग बैठा था, मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं तो चलो थोड़ा बड़े ही हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, अच्छी चपले मार लेते हो। आजकल के बच्चों का यही मसला है, पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर लिया था। जी अंकल, और आपको पता है कि आपकी उम्र में फुटो फांसी चढ़ गया था और आप अभी तक जिंदा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा। तो इसके अंदर देखें कि एक डायलॉग से जब दूसरा डायलॉग आता है, मतलब एक साइड से कैमरा रोटेट होकर जब दूसरे के ऊपर आता है, थोड़ा उसमें गैप आता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग मतलब कि आपका कोई सीन गलत हो गया, फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई डायलॉग गलत हो गया पहले वाला, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, ये डायलॉग आ जाएगा। यहाँ पे ये तीन बटन आ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग अपना डायलॉग डिलीट भी कर सकते हैं, डायलॉग को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने कहा था यार ये डायलॉग पहले नहीं बोलना था, बाद में बोलना था, तो ऊपर नीचे भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग कोई कमेंट्स वगैरह लिखना चाहें वगैरह वगैरह, जो भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और इसके अंदर से जो गैप्स हैं वो हमने रिमूव करने हैं। गैप्स रिमूव करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाल सकते हैं, कोई फ़नी जो पीछे हंसने वाली आवाज़ें होती हैं वो भी डाल सकते हैं आप, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमने इसको करना है सेव। ये ऊपर एक्सपोर्ट का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके इसको कर देना है सेव। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, सेव वीडियो का ऑप्शन आएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। यहाँ ये कह रहा है कि सब टाइटल्स के साथ सेव करनी है, मैंने कहना है जी बगैर सब टाइटल्स के इसको सेव करें। सब टाइटल के बगैर इसको हमने सेव किया और ये देखिए हमारी वीडियो हो रही है रेंडर। तो इसको लगेगा 1 से 2 मिनट। जी तो हमारी वीडियो हो गई रेंडर। यहाँ पे ये कह रहा है कि शेयर करना है, ये डन, तो हमने करना है इसको डन। जैसे डन करेंगे तो हमारे गैलरी के अंदर ये वीडियो आ जाएगी। गैलरी में जाते हैं तो गैलरी में आने के बाद यहाँ पे एल्बम्स पे आएंगे तो ये देखें सबसे ऊपर जो है ये हमारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके थोड़ी सी एडिटिंग स्प्लिटिंग करनी है और उसको थोड़ा सा बेहतर करना है। तो काइन मास्टर की एप्लीकेशन के अंदर आप लोग आएंगे और इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे ये देखें ये मूवीज़ ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला क्लिप उठाया, यहाँ पे डाला, बैक आए यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको ज़रा प्ले करके चेक करते हैं। तो ये देखें इसके जो स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा खाली होगा। हेलो, ये हेलो हेलो सर, हेलो तक, ठीक है। तो यहाँ पे इधर रखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, स्प्लिट पे क्लिक किया, लेफ्ट पे ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टार्ट होगा डायरेक्ट आएगा। तो आप लोगों ने बिना वाटरमार्क वाला जो काइनमास्टर है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। हेलो समीर बेटा, कैसे हो तुम? तुम तो इतने बड़े हो गए हो। बस बड़े हो गए हो, ठीक है। यहाँ पे आए, दोबारा आप लोगों ने इस पर क्लिक किया, स्प्लिट किया, इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक किया, स्प्लिट पे क्लिक किया, स्प्लिट किया, दरमियान वाला जो है इस पोर्शन को आप लोगों ने डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप आए शुरू में, दोबारा से सुने कैसा लगता है ये। हेलो समीर बेटा, कैसे हो तुम? तुम तो इतने बड़े हो गए हो। जी अंकल, घर में फारिग बैठा था, मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं तो चलो थोड़ा बड़े ही हो जाते हैं, ठीक है। तो देखें अब कितना ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे आए, दोबारा इसको करें स्प्लिट और अगला डायलॉग जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक इसको डिलीट कर दें, मतलब कि ट्रिम कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये माशाल्लाह से ये, ठीक है। तो यहाँ पे आए, इसको आप लोगों ने दोबारा स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद ये दरमियान में जो छोटा सा टोटा है इसको आप लोगों ने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे आए, दोबारा वापस ठीक हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, अच्छी चपले मार लेते हो, ठीक है, अच्छी चपले मार लेते हो। इसके बाद इसको हमने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद स्प्लिट किया और देखें कि अगला डायलॉग कब आता है, ठीक है। बैक आए, यहाँ पे इसको प्ले किया। आजकल के बच्चों, ये आजकल के बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आए, स्प्लिट स्प्लिट, दरमियान वाला टोटा जो है इसको हमने कर दिया डिलीट। वापस आए, दोबारा सुने। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, अच्छी चपले।
में मार लेते हो। आजकल के बच्चों का यही मसला है, पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर लिया था। अब आए और जरा शुरू से इसको दोबारा सुने, कितना फिट लगेगा। हेलो समीर बेटा, कैसे हो तुम? तुम तो इतने बड़े हो गए हो। जी अंकल, घर में फारिग बैठा था, मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं तो चलो थोड़ा बड़े ही हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, अच्छी चपले मार लेते हो। आजकल के बच्चों का यही मसला है, पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आजम ने मैट्रिक पास कर लिया था। जी अंकल, और आपको पता है कि आपकी उम्र में फुटो फांसी चढ़ गया था और आप अभी तक जिंदा है। जी तो अब बताएं, अब तो वीडियो को लाइक करना बनता है ना, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, फिर भूल नहीं जाना चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इस तरह की वीडियोस आप लोगों ने बनानी है, अपलोड करनी है और बहुत सारा पैसा कमाना है। जी तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन सी है जिसके ऊपर से हमने ये सारी चीज़ें, ये सारी एनिमेशंस बनानी है। तो आप लोगों ने आना है सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर, और प्ले स्टोर के ऊपर आके आप लोगों ने सर्च करनी है एक ऐप, प्लोटागॉन, ठीक है, PLO प्लोटागॉन, ठीक है। तो ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है और इसी एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक हो गया मेरी जान, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।